कि आर्टिकल 370 खत्म हो गया, कश्मीर जो है हमारा हो गया, एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक फैक्ट जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, कश्मीर एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बर्निंग टॉपिक है। दुनिया में 3 ऐसे प्लेसेस हैं जिसकी वजह से कभी भी वर्ल्ड वार जो है ना हो सकती है। एक तो है कश्मीर, दूसरा है फलस्तीन, तीसरा है अफगानिस्तान। तो ये 3 भी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग 70 साल से जो है ना फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। तो उसमें से कश्मीर भी एक है, फलस्तीन भी एक है। तो हम फलस्तीन के स्ट्रगल को भी जो है जमाने से हमेशा से जो है ना सपोर्ट करते आ रहे हैं, और हम जो है कश्मीर के लिए भी जो है कश्मीर का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है जिसके लिए वो फाइट करते आ रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम उनके कॉज को सपोर्ट करते हैं, हम उनके फ्रीडम के कॉज को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ये जो कहना है कि आर्टिकल 370 खत्म हो गया, कश्मीर हमारा हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। कश्मीर जो है ना इंडिया का कभी नहीं था और ना पाकिस्तान का भी कभी नहीं हो सकता था। कश्मीर सिर्फ कश्मीर के लोगों का है, ये बात हमें जान लेनी चाहिए, हमें समझ लेनी चाहिए। लेकिन या इंडियन रूलिंग क्लास या पाकिस्तान रूलिंग क्लास या कहीं के और की रूलिंग क्लास कभी ये नहीं मानती, क्योंकि वो लोग जो है ना फ्यूडलिस्ट हैं, वो लोग डेमोक्रेसी पर उनका यकीन नहीं है, पब्लिक के इमोशंस को नहीं जानते हैं, फौज के जरिए से, मिलिट्री के जरिए से ये जो ड्रैकोनियन लॉस बनाकर जो है ना लोगों के राइट्स को दबाना चाहते हैं। ये लोग जो है ये कहते हैं कि हम कश्मीर को जो है हमारे पास रखेंगे, वो उधर से पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारे पास रहेगा। बीच में दोनों के बीच में जो है कश्मीर के लोग जो है ना पिसे जा रहे हैं, उनका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनकी सिविल लिबर्टीज जो है ख़त्म हो चुकी है। मुझे परसों ही जो है हमारे एक दोस्त जिसको हम सब लोग यहाँ पे जानते हैं, गुलाम परवेज, उनसे मेरी बात हुई, बहुत ही मुश्किल से उनका फ़ोन लगा। तो बोले कि कश्मीर में हम एक दूसरे से बात करना भी बहुत मुश्किल है। आप सोच सकते हैं कि आपके पड़ोसी से अगर आप बात नहीं करें, आपके दोस्त से आपसे बात नहीं हुई, तो हम कितना परेशान हो जाते। तो इस वक्त कश्मीर जो है ना एक बहुत बड़ी जेल, यानी एक बहुत बड़ा जो है ना, हम छोटे छोटे जेलों में की बात करते हैं जिसमें आज साई बाबा या बाबा राव और हमारे ओना विल्सन ऐसे बहुत सारे साथी जो है कैद में हैं। लेकिन कश्मीर के लोग एक बहुत बड़ी जेल के अंदर आज कैद में हैं, उनके लिए हमें बात करना है, उनकी आज़ादी के लिए हमें बात करना है। तो हम जो है कश्मीर के लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की तायद करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है कि आर्टिकल 370 को निकाल दिए और बात ख़त्म हो गई, हम इसको कंडम करते हैं। साथ में एक बात यहाँ पर प्रोफेसर शेषैया ने कही कि जो है भरोसा जो है ना कश्मीर के लोगों को दिया गया था, उमर अब्दुल्ला को भी, उमर फारूक अब्दुल्ला के फादर जो है शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये पूरे अब्दुल्ला को जो है ना एक वादा दिया गया था, लेकिन सबके साथ धोखा हुआ। उसके साथ मुफ्तीज के साथ वादा किया गया, उनके साथ धोखा हुआ। कश्मीर के साथ जितना धोखा हुआ है यहाँ पर इस इंडिया के जो इस सब कॉन्टिनेंट है वहाँ किसी भी लोगों के साथ उतना ज़्यादा धोखा नहीं हुआ। कश्मीर किसी ज़माने में जो है ना इस ज़मीन के ऊपर एक पैराडाइज है, एक जन्नत है कहा जाता था, लेकिन आज 1,00,000 लोगों का कब्रस्तान है वो। ये बात जो है मैं आपको याद दिलाऊं, अब से 10-15 साल पहले हमारे ही एक सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट नलगुंडा के रहने वाले आज़म अली ने कही थी कि अब कश्मीर 70,000 लोगों का कब्रस्तान, एक उनकी पोएम थी। तो आज कश्मीर जो है 1,00,000 लोगों का कब्रस्तान है, कई मास ग्रेव्स हैं जिसके लिए कोई नहीं जानते, डिसअपीयरेंस हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तो लोगों के मुंह को बंद करके आर्टिकल्स को निकाल के पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में डेमोक्रेसी को जो है रख कर ये बताना चाहते हैं कि हम जो है ना जिस तरीके से चाहे राज कर सकते हैं, ये हमारा
हमारा कंट्री है। अभी जैसा कहा गया कि हिंदू हिंदू हिंदुस्तानी और हिंदी, ये जो एक तरह से चल रहा है ना, उस तरह का जो है पूरे इंडिया के ऊपर ये लाना चाहते हैं। आज बात कश्मीर की है लेकिन वो कश्मीर तक नहीं लिमिटेड रहेगी, कल जो है यहाँ पे तेलंगाना में भी आएगी, तेलंगाना को भी जो है बना देंगे कि जो है ये यूनियन टेरिटरी है, तो सब जो है हमको ही तो लड़ना पड़ेगा। तो आज हम जो कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बात कर रहे हैं बल्कि हम तमाम लोगों के लिए बात कर रहे हैं, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हर स्टेट की एक आइडेंटिटी होती है, एक कल्चर होता है, उसको बचाने की जिम्मेदारी जो है ना हर सिटीजन की होती है। उसी तरीके से इंडिया के अंदर जो सिविल लिबर्टीज मूवमेंट्स हैं, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स हैं, ये शुरू से जो है ये बात कहते हुए आए हैं कि ये तमाम फेडरल स्ट्रक्चर को कायम रखने के लिए और उसको हमेशा उसको उसके साथ देने के लिए इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को जो है ना पावरफुल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि एक कंट्री के अंदर जो है मेजॉरिटरी डेमोक्रेसी आई है, पार्लियामेंट में एक ही पार्टी का पावर है, तो जो मनमानी वो करना चाहते हैं कर रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि आज 370 निकाल दिए, कल कुछ और कर देंगे, परसों कुछ और हो जाएगा। लेकिन मैं जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मैं हिस्ट्री को जानता हूँ, अभी शशैया साहब ने ही कहा कि हिस्ट्री के साथ खेलने वाले यानी तारीख के साथ खेलने वाले कभी बाकी नहीं रहते, उनको जो है ना तारीख वो भी जो है ना फिर एक पार्ट ऑफ द तारीख बन जाते हैं, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बन जाते हैं। आपने हिटलर को देखा कि हिटलर का क्या असर हुआ, मुसोलिनी को देखा कि क्या हुआ, मोदी को भी आप देख रहे हैं कि कल क्या होगा पता नहीं, किसी को नहीं मालूम। तो जो आवाम के साथ खेलता है, आवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ करता है, मैं यहाँ पे आवाम बोलता हूँ, आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों के साथ जो खेलता है ना, तो लोग भी जो है एक दिन उसके साथ खेलते हैं और उसका उस पर बहुत बुरा असर होता है। इस बात को इंडियन रूलिंग क्लास समझनी चाहिए। एक बात मैं आपको याद दिलाता हुआ चलूँ क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम बहुत कम है, कश्मीर और हैदराबाद की कहानी एक जैसी है। यहाँ पे मुसलमान राजा था और लोग जो है हिंदू थे, वहाँ पे मुसलमान लोग थे, हिंदू राजा था, लेकिन दोनों भी राजा ही थे, दोनों का काम भी लोगों के राइट्स को जो है वायलेट करने का था, दोनों भी फाइट करे, दोनों के तरफ के लोग भी फाइट करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई और वो लोग बहुत ज़माने से जो है अपने स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। हम इस स्ट्रगल के लिए जो है उनके लिए वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग के लिए भी हम नहीं जा सकते। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि इस तेलंगाना के अंदर कश्मीर के लिए ये होने वाली पहली मीटिंग है और मैं इसके लिए सिविल लिबर्टीज कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। नहीं तो कभी भी बहुत सारे लोग पूछते थे व्हाट्सएप पे, कई ऐसे मैसेज आ रहे थे कि हैदराबाद में क्यों जो है ना एक कोई लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद जो है माना जाता है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के लिए, ये मखदूम मोहिउद्दीन का जो है शहर है, लेकिन यहाँ पर लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक राजा की हुकूमत है, लोग नहीं समझ पाते, एक दौरा की हुकूमत है, लोग नहीं समझ पाते। तो हमको जो है इन तमाम चीज़ों से फाइट करना है और हमको आज ये वादा करना है कि कश्मीर के लोगों के साथ हम देते आए हैं अभी भी दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। अभी आपने सुना कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 है और उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी हैं, लेकिन उस एक फंडामेंटल राइट है जो पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ एक नेगेटिव है, क्योंकि शेषय साहब एक लॉ के प्रोफेसर रह चुके हैं, वो बहुत अच्छी तरह से हमको समझाए हैं। यार अगर जो लोग यहाँ पे बात समझे हैं तो उससे हमको ये बात समझ में आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन एक तरफ राइट देता है, दूसरी तरफ उस राइट को छीन भी लेता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आप जैसे हम जैसे लोगों पर ही है। तो हम जो है ऐसे दस्तूर को, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसमें हमारे राइट्स का वायलेशन होता हो उसको हम जो है ना नहीं मानते हुए, जो हमारे राइट्स को जो है देते हैं उसको मानते हुए जो है ना हम आगे बढ़ेंगे और कश्मीर की जो लोगों का जो राइट है ना उसका साथ देंगे। एक हमारे दोस्त ने कहा था कि मैं अपनी बात जो है एक उर्दू के एक शेर पर
खत्म करूं तो मैं एक उर्दू का शेर बताते हुए, एक रिवोल्यूशनरी पोएट है, उन्होंने कहा था कि ऐसे दस्तूर को सुबह बे नूर को, ऐसे दस्तूर को सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जुल्म की बात को, जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। खुदा हाफिज़।